रामचरितमानस सम्मेलन के साथ हुआ मेला समापन। रानीपुर नगर में चल रहे मेला जल विहार महोत्सव का समापन रामचरितमानस सम्मेलन के साथ संपन्न हो गया। सम्मेलन का आयोजन स्व गुलजारी लाल बहरे की स्मृति मौन के पुत्र श्री ओम प्रकाश बहरे भैया जी ने किया है। मुख्य अतिथि श्री प्रमोद सरावगी जी ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मानस वक्ताओं ने श्री राम के विभिन्न चरित्रों का वर्णन कर लोगों को धर्म लाभ कराया। बहन नीलम गायत्री जी ने हनुमान जामवंत संवाद का वर्णन कर लोगों को आनंदित किया। गरौठा से पधारे श्री महेंद्र जी महाराज ने रावण की सभा में हनुमान रावण संवाद का वर्णन किया। बहन हेमलता ने सुंदर भजन गाकर मानस सम्मेलन कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। सम्मेलन में श्री पुरुषोत्तम दास जी, श्री बालक दास जी, श्री राम पोस्तर सहित कई संत मौजूद रहे। मेला अध्यक्ष विधायक डॉक्टर रश्मि आर पप्पू सेठ ने सभी संतों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। ग्राम पटुआ के प्रधान श्री मंगल सिंह ने संतों को शाल भेंट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। मंच संचालन हिमांशु राय जी ने किया। कार्यक्रम के दौरान गुलाब तिवारी, विनीत क्षेत्रीय, महेंद्र चंसौरिया, रमेश सिरोठिया, राजेश वरसैया, राकेश गुप्ता, अनुराग गुप्ता, दीपक खरे, देवेंद्र खरे, राजेंद्र नौगरिया, आंसू बहरे, महेश बहरे, दीपक अग्रवाल, बलवंत दाऊ सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। प्रवचनकर्ताओं का, सज्जनों का माल्यार्पण करके उनका स्वागत और उनका सत्कार कर रहे हैं। और जैसा कि हमारे पीठाधीश्वर भारत जो है ऋषि परंपरा वाली धरती है, और साथ साथ यहाँ पर समय समय पर जो है भगवान ने दुष्टों का नाश करने के लिए राम भद्र भैया लक्ष्मण से इसे कहा, लक्ष्मण रावण इस समय बड़ा विद्वान है, बड़ा वर्धन विद्वान है। दुनिया में कोई यदि इस समय विद्वान है वेदों पर भाष्य करने वाला, तो रावण से बढ़ करके कोई दूसरा नहीं है। जिसने वेदों पर भाष्य किया हो वो इस समान विद्वान नहीं हो सकता है। कहा रावण विद्वान भी है, राजनीतिज्ञ भी है, सब कुछ है। इसलिए भैया लक्ष्मण मेरी इच्छा है कि जाओ लक्ष्मण तुम रावण से कुछ राजनीति सीख कर के आओ। लक्ष्मण जी महाराज पहुंचे, जाकर के श्री की तरफ खड़े हो गए। हमारे शास्त्र कहते हैं किसी को कुछ सीखना है तो सीखने की पद्धति। रानीपुर से अरुण अग्रवाल की रिपोर्ट।